गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तेलेकर ब्लॉग। सो आज आपके लिए मैं और एक नई कंट्री ले आया हूँ। इसका नाम है तुवालु आइलैंड, फॉर्मली नोन हैज एलिस आइलैंड। पहले ये एलिस आइलैंड से जाना जाता था, अब इसका नाम है तुवालु आइलैंड। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, बिटवीन हवाई एंड ऑस्ट्रेलिया। और इसकी और एक ख़ास बात इस कंट्री में ये है कि यहाँ पे एक भी एटीएम सेंटर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी कम पॉपुलेशन है, काफ़ी स्मॉल कंट्री है, तो यहाँ पे एटीएम सेंटर नहीं मिलेगा एक भी। तो कोई भी यहाँ पे एज अ टूरिस्ट आप जा रहे हो तो काफ़ी कैश, यहाँ पे कैश फंड्स आपके पास रहना चाहिए, आप कैश लेके जाइए, क्योंकि आप वहाँ से विड्रॉल नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे एटीएम सेंटर नहीं है, ठीक है। और इसकी दूसरी बात यहाँ पे ये है कि शॉकिंगली यहाँ पे आफ्टर 6 PM के बाद सब लोकल्स, जो रनवे होता है वहाँ पे, एयरपोर्ट है उसके रनवे पे, सब वहाँ पे फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सब कुछ जो वहाँ की जो स्पोर्ट्स है वो खेलते हैं रनवे के ऊपर। अगर कोई इमरजेंसी लैंडिंग होगी तो वहाँ पे सायरन बजता है, तो सब हट जाते हैं। तो ऐसा है, काफ़ी स्मॉल आइलैंड कंट्री है तुवालु, ठीक है। अभी हम आते हैं इसके कैपिटल पे। तो इसके कैपिटल का नाम है फुनाफुटी, लार्जेस्ट सिटी है, ऑफिशियल लैंग्वेज है तुवालुन और इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश भी चलती है, तो नो वरीज, आप वहाँ पे इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं इंग्लिश में। अभी आते हैं हम इसके एथनिक ग्रुप पे। तो 96% यहाँ पे तुवालुन ही है और 4% में अदर्स, तो ऐसे भी कम पॉपुलेशन है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे वहाँ के लोकल्स ही है, अदर्स में 4% है, ठीक है, तो मिक्स में हो गए, ओके। अभी हम आते हैं इसके रिलीजन पे। तो रिलीजन में यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है, ओनली क्रिश्चियनिटी। और पॉपुलेशन में मैं आपको पॉपुलेशन बता दूँ, यहाँ पे 12,158 सिर्फ पॉपुलेशन है यहाँ पे अभी तक 2023 तक। और करेंसी है तुवालुन डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर चल रहे हैं, तुवालुन डॉलर में इसलिए आपको कॉइन्स मिल जाएंगे, लेकिन जो यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर चल रही है, ठीक है। और रेट मैं आपको बता दूँ 57 चल रहा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर का। और अभी वीज़ा इसके ऊपर आता है, इंडियंस को वीज़ा लगता है नहीं लगता है, वीज़ा लगवाना पड़ेगा, अगर हम हमारा फ्रेश पासपोर्ट है तो हम जा सकते हैं, तो आप यहाँ पे जा सकते हो एज़ अ फ्रेश पासपोर्ट आपका होगा तो तुवालुन आइलैंड कंट्री में। इंडियंस को 30 डे वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा, वन मंथ वीज़ा ऑन अराइवल फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर, तो एक महीना हम वहाँ पे रह सकते हैं वहाँ पे जाके, अगर एक्सटेंड कराना है तो हम करा सकते हैं इमिग्रेशन में जाके, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जॉब पर्पज़ से जाना कोई ये नहीं है, स्कोप नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, बहुत ही स्मॉल कंट्री है, एटीएम सेंटर नहीं है, काफ़ी पीछे है, ठीक है। अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो भी आप ध्यान रखें कि पॉपुलेशन काफ़ी कम है यहाँ पे। तो एज अ टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो, कोई आइलैंड आपको देखना है, अगर आपको इच्छा है जाने की तो आप जा सकते हो वहाँ पे एज अ टूरिस्ट पर्पज़, और अगर कुछ वर्कआउट होता है तो आप देख कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। अगर आपका कैपिटल अच्छा है, फाइनेंस अच्छा है, तो आप वहाँ पे जाके बिजनेस या कुछ कर सकते हो, ठीक है। और इंग्लिश चलते तो कोई दिक्कत नहीं होगी एज अ फॉरेनर्स को। तो वीज़ा फॉर इंडियंस, ऑनरेबल वीज़ा फॉर 30 डेज, 30 दिन के लिए ऑनरेबल वीज़ा है फॉर इंडियंस। फ्रेश पासपोर्ट अगर आपका है, कोई स्टैम्प नहीं है, तो भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अभी हम आते हैं इसके ड्राइविंग साइड पे। तो ड्राइविंग साइड है लेफ्ट, कॉलिंग कोड है +688। और मैं आपको इसमें अभी वेजेस तो नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पे बहुत कम है स्कोप, तो जो मिनिमम वेजेस आते हैं तो $3 to $4 है मिनिमम वेजेस पर आर की, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट को, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी कम होगा एज अ प्राइवेट सेक्टर, जो भी स्टोर्स में जॉब करते हैं, अगर स्टोर्स है वहाँ पे, क्योंकि एटीएम सेंटर ही नहीं है तो स्टोर्स भी लिमिटेड हो गए, और अगर लिमिटेड स्टोर्स है तो फर्स्ट प्रेफरेंस वो लोकल्स को ही होगा, ठीक है, सही बात है ना। तो ऐसे तो वहाँ के लोगों को ही पहले प्रेफरेंस मिलेगा। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हो तो आप देख सकते हो, एज अ टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो आप देख सकते हो, वहाँ पर घूम सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आ जाता हूँ डायरेक्टली एयरलाइंस पे। और मैंने वेजेस तो बता दिया क्या $3 to $4 पर आर के है, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट को, ठीक है। तो अभी हम आते हैं एयरलाइंस पे। तो कैसे जाना है, रूट पे आते हैं, ठीक है। तो मुंबई टू सिंगापुर, सिंगापुर टू फिजी ऑन सिंगापुर एयरलाइंस से, ठीक है। बॉम्बे से सिंगापुर, सिंगापुर टू फिजी ऑन सिंगापुर एयरलाइंस। सिंगापुर का एयरपोर्ट कोड है SIN, फिजी का कोड है NAN, नाड़ी, ठीक है। एयरलाइंस है सिंगापुर एयरलाइंस, उसकी टिकट है मुंबई से फिजी तक की 65,589,
ओके, मुंबई, बॉम्बे, सिंगापुर, फिजी। सिंगापुर एयरलाइंस टिकट है 1 वे 65,589, और हमें तो जाना है तुवेलु आइलैंड, राइट। तो आगे की फ्लाइट है एयर पैसिफिक की, नॉन स्टॉप फ्लाइट है फिजी टू फुनाफुटू। उसका एयरपोर्ट कोड है FUN तुवेलु, ठीक है। एयरपोर्ट कोड है FUN फुनाफुटू तुवेलु, आइलैंड कंट्री। और एयर पैसिफिक एयरलाइंस का नाम है। इसकी जो 1 वे टिकट है 23,874, तो टोटल दोनों मिला के मुंबई टू सिंगापुर, सिंगापुर टू फिजी 65,589, और फिजी टू तुवेलु आइलैंड 23,874, तो टोटल होता है 1 वे का 90,000 लगभग। तो ये था, आप रेस्ट ऑफ आपके पास कैश लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे ATM सेंटर नहीं मिलेगा आपको तुवेलु आइलैंड पे। तो कैश आपके पास पूरे ट्रिप का आप कवर कर सको उतना कैश रखिए। होटल रिजर्वेशन, पासपोर्ट, होटल रिजर्वेशन, कैश, कोविड की सर्टिफिकेट हो गए, ट्रैवल इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड तो मतलब ही नहीं बनता है क्योंकि वहाँ पर नहीं है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में सचिन तेलकर व्लॉग। हैव अ गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।